शानदार शुभमन नहीं शर्मनाक शुभमन कहो भाई। शुभमन गिल का वेस्ट इंडीज दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शुभमन गिल का जो ड्रीम रन था आईपीएल से पहले का, आईपीएल तक का, वो भाई खत्म हुआ वेस्ट इंडीज दौरे के अंदर। और डब्ल्यूटीसी फाइनल वो आखिरी लम्हा था जहां पर शुभमन गिल थोड़े बहुत टच के अंदर नजर आए थे। लेकिन भाई जैसे ही वेस्ट इंडीज दौरा आया शुभमन गिल का फ्लॉप प्रदर्शन जारी और शुभमन गिल ने एक शानदार शर्मनाक रिकॉर्ड इस वेस्ट इंडीज दौरे के अंदर अपने नाम किया। अब आप पूछेंगे भाई कौन सा रिकॉर्ड, भाई वो रिकॉर्ड है एक सीरीज के अंदर, एक T20 सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट होने का रिकॉर्ड, जो कि पहले था इन्हीं की तरह भाई पूर्व कहना पड़ेगा कि टीम के साथ नहीं है भाई केएल राहुल के नाम, टीम इंडिया के भाई ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल के नाम था। और केएल राहुल के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड है जो स्ट्राइक रेट से इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन एक और रिकॉर्ड जो केएल राहुल के नाम था वो था भाई एक सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट पर आउट होने का रिकॉर्ड। तो भाई ये खिलाड़ी एक T20 सीरीज के अंदर 3 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुआ था और शुभमन गिल ने भाई ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुबारकबाद आप सबको, हम सबको। शुभमन गिल भाई इस T20 सीरीज के अंदर 5 मैचों की T20 सीरीज के अंदर 4 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट है, उसमें से जो 177 रन की पारी आई थी। उसके अलावा भाई लगातार शुभमन गिल का जो स्कोर था वो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसा ही रहा है शुभमन गिल का पूरा स्कोर। तो भाई क्या रहा है शुभमन का पूरा स्कोर इस सीरीज के अंदर, आइए जान। तो भाई शुभमन गिल ने बनाए हैं 3, 7, 6, 77, 9, यानी कि 3, 7, 3, 7, 6 और 1, 9 ये जो पारी है भाई ये 4 T20 पारी है जो शुभमन गिल ने सिंगल डिजिट स्कोर के ऊपर रोकी है। और भाई ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं शुभमन गिल खुद अपने करियर से छुपाना चाहेंगे और भाई बड़े बड़े रिकॉर्ड जो इनके नाम है वो अपने नाम करना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में